हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लीजिए, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नए रेसिपी के साथ। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है सूजी और आलू की मसालेदार पूरी। एक बार इसे घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही डिलीशियस है। आज के वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें ताकि आपको पूरा प्रोसेस इसे बनाने का पता चल सके। उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बॉल ले लिया है, उसमें हमें एक गिलास गर्म पानी डालना है और एक छोटा बॉल सूजी का। अब आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए 10 मिनट छोड़ देते हैं ताकि हमारी यहाँ सूजी जो है अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर ले। लीजिए, हमारा 10 मिनट यहाँ पे पूरा हो चुका है। देखिए, यहाँ पे सूजी ने पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है, तो बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ आलू स्मैश्ड किया हुआ डाल देते हैं। बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक डालें स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हम लोग इसमें जीरा डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला देते हैं। लीजिए, अच्छे से मिल चुका है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें सूखा आटा इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक कप कम से कम आप इसमें आटा डालें। हमें धीरे धीरे करके मिलाना है इसे और एक इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। इसका डो नॉर्मल डो की तरह नहीं होगा, इसका डो थोड़ा नरम ही होगा। इसे थोड़ा थोड़ा आटा डालिए और इसे मिलाइए। जी, मेरा डो यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम थोड़े से तेल लेके इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। लीजिए, यहाँ पे हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसके गोले बना लेते हैं पूरियाँ बनाने के लिए। गोले थोड़े बड़े ही बनाएं क्योंकि हमें यह पूरी नॉर्मल पूरी की तरह नहीं बनानी, हमें यह पूरी थोड़ी सी मोटी रखनी है। इसीलिए आप क्या करें, हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें क्योंकि यह थोड़ा डो जो रहता है थोड़ा नरम रहता है, तो यह हाथ में चिपक ना जाए, इसीलिए थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और इसे गोला बनाइए। लीजिए, हमारे गोले यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें बेलने की विधि देखते हैं। तो उसके लिए आप चकिया और बेलन पे थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा लीजिए ताकि ये पूरी चिपके नहीं। पहले हम हाथ में इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं। इस पूरी को थोड़ा सा मोटा ही रहने दीजिए। लीजिए, इस तरह से हम बाकी
जो लोई हमने बनाई है उसके भी पूरी हम इसी तरह से बना लेंगे। अब कढ़ाई में तेल मैंने गरम होने के लिए चढ़ा रखा है, और ध्यान रखिए आपका गैस का जो फ्लेम हो हाई में हो, और आपका तेल जो बहुत ही ज़्यादा गरम होना चाहिए। अब हम इस गरम तेल में यहाँ पे पूरी डाल देते हैं, अब इसे हल्के हल्के से दबाइए ताकि यह फूले। आपका तेल बहुत ही गर्म होना चाहिए तभी यह पूरी अच्छे से फूलेगी। इसे हल्के हल्के से पूरी को साइड साइड से दबाइए, देखिए कितनी अच्छी तरीके से फूल रही है। जी हमारी पूरी बनके तैयार है, बहुत ही स्पाइसी पूरी बनती है ये, क्योंकि हमने इसमें मसाला डाला हुआ है। इसी तरह से हम बाकी पूरियों का भी बना लेंगे। आपका गैस का फ्लेम लो ना रखें, आपका गैस का फ्लेम आप हाई ही रखें तभी पूरियां अच्छे से फूलेंगी। लीजिए हमारी सारी पूरियाँ बन के तैयार है, इसे गर्मा गर्म आप सर्व करें खाने के लिए। इसमें आपको साइड डिश की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार पूरी है ये, एक बार ज़रूर घर में ट्राई करके देखें। थैंक यू।